क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेरे निगरानी में मास अप टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम आदाब, मैं मरियम फातिमा, एशियन टीवी न्यूज की स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 26 मार्च की स्पीड न्यूज। नांदेड़ शहर के हंगोली गेट इलाके में फूल की दुकान पर काम करने वाले दो मुस्लिम नौजवानों पर शरपसंदों ने हमला किया, जिसमें ये दोनों जख्मी हो गए। वाकये की खबर आम होते ही वजीराबाद पुलिस स्टेशन में सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हुए और इन्होंने हमला आवरों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। शराब पॉलिसी में होने वाले मुबैना बदउनवानी की वजह से वो जहां जेल पहुंचा दिए गए हैं, वहीं अब जेल में रहकर सरकारी अहकाम जारी करने के एक मामले में नई परेशानी का सामना कर रहे हैं। बिजनौर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नीरज ने मजकूरा वीडियो के हवाले से शरपसंदों को वार्निंग किया है कि होली एक मुबारक त्यौहार है, किसी को हरासा ना करें, किसी को जबरदस्ती रंग ना लगाएं, कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी से लोग परेशान हैं, महंगाई, बेरोजगारी और बदउनवानी अपने उरूज पर है, इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश में आवाम की पहली पसंद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इत्तेहाद होगी। नोट के बदले वोट के इल्ज़ाम में पार्लियामेंट से ख़त्म होने वाली महुआ मोइत्रा ने सीबीआई पर हरासा करने और इंतखाबी मुहिम में रुकावट डालने का इल्ज़ाम आयद किया। सहारनपुर लोकसभा हलके से कांग्रेस ने एक बार फिर इमरान मसूद पर अपने एतमाद का इजहार किया। इससे कबल 2019 और 2014 में वो कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ चुके हैं, हालांकि 2019 के बाद इन्होंने कांग्रेस से अलहदगी अख्तियार करने के पहले समाजवादी पार्टी और फिर बीएसपी की रुकनियत ली, लेकिन इन्हें कोई और पार्टी रास नहीं आई। यूनाइटेड नेशन की सलामती कौंसिल ने आज गजा में जंगबंदी और तमाम यरगमालियों की बिला शरायत रिहाई की करारदाद मंजूर कर ली। यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि इस मसौदे को फौरी तौर पर नाफिज कर दिया जाना चाहिए, इसके नफाज में नाकामी नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। नाइजेरियाई फौज को शुमाली नाइजेरिया में किडनैप स्टूडेंट को बाजियाब कराने के मिशन में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दो हफ्ते कबल कंदोना में इस स्टूडेंट को स्कूल से अगवा कर लिया गया था। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने रफा पर हमला करने के हवाले से इसराइल को खबरदार किया। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर इसराइल हमास जंगजों का ताखुब करते हुए रफा पर हमला करेगा तो इसके नतायज बरामद हो सकते हैं। सिंगापुर में इसराइली सफारतखाने ने अपने फेसबुक पर कुरान मजीद का हवाला देते हुए कहा था कि इसमें इसराइल का जिक्र 43 मरतबा जबकि फलस्तीन का एक भी बार नहीं हुआ है। इसराइल यहूदियों की सरजमीन है। सिंगापुर की वजारत खारजा की सख्त सरजनिश के बाद ये पोस्ट हटा दिया गया। महबूबनगर में आम के काश्तकार आने वाले बेहतर दिनों की उम्मीद कर रहे हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को नाफिज कर रहा है और तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की शनाख्त क्लस्टरल डेवलपमेंट एजेंसी के तौर पर की गई। साबिक तेलंगाना एराबली ने फ़ोन टैपिंग केस में इल्ज़ाम की तरदीद की। इन्होंने फ़ोन टैपिंग केस में मुलव्वस होने से भी इनकार कर दिया, जिसमें 3 पुलिस अहलकारों को गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु के वजीर अदयानिधि स्टालिन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नींद न होने वाले रिमार्क्स पर रद्दअमल जाहिर किया और जोर देकर कहा कि डीएमके पार्टी उस वक्त तक नहीं सोएगी जब तक पार्टी पीएम मोदी और बीजेपी को लोकसभा इंतखाबात में घर वापस नहीं भेज देती। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जिसे उपल स्टेडियम भी कहा जाता है, में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के मैचों के लिए 60 खसूसी बसें चलाने का फैसला किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में होली की तकरीबात का अहतमाम किया। एबीवीपी तेलंगाना के सरकारी हैंडल पर शेयर की गई वीडियो में स्टूडेंट्स और दीगर को त्यौहार मनाते हुए देखा जा सकता है।
किशन रेड्डी ने आर्टिकल 370 की तनसीक और मुतअद्दिद असलाहात के बाद 2019 में बीजेपी की 302 सीटों से 370 सीटों तक मुतवक्को इजाफे का हवाला देते हुए 400 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने का यकीन जाहिर किया। अमेरिकी शहर बाल्टामोर में फ्रांस स्कॉट पुल जहाज से टकराने के बाद गिर गया। मैरीलैंड ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी ने इस बारे में जानकारी दी है। आंध्र प्रदेश में ऑयल रिफाइनिंग गोदाम में भयानक आग लग गई। इस वाक़े के इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि यह गोदाम बगैर इजाजत के चलाया जा रहा है। इस वाक़े की वजह मालूम ना हो सकी। तमिलनाडु की अवाम की तायद हासिल होने तमिलसाई सौंदरराजन का दावा। तमिलसाई ने इस बात को महसूस किया है कि जब वजीर आजम ने तमिलनाडु का दौरा किया तो काफी ज्यादा तायदान को हासिल रही। जिस तरह अनामिलाई ने पदयात्रा मुनाकिद की थी, इस वक्त काफी तायदान को मिली थी। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। जिले आदिलाबाद सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां पर दर्ज हरारत 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर गुज़िश्ता 5 दिनों से इसी तरह की सूरत हाल देखी जा रही है। शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस की रुकन कौंसल के कविता को 9 अप्रैल तक अदालत तहवील में देते हुए इन्हें तिहाड़ जेल मुंतकिल करने की हिदायत दी है। आज इनकी तहवील के अख्तिताम पर इनको अदालत में पेश किया गया। तेलंगाना में बारिश के इम्कानात। महकमे मौसमियात ने कहा कि अगले 4 दिनों के दौरान रियासत में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इजाफे का इम्कान रहेगा। होली के मौके पर लोगों की हंगामा आराई की वीडियोस तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन वायरल होने वाली इस वीडियो को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक शख्स स्कूटर चलाते हुए नजर आ रहा है, जबकि एक लड़की इसके पीछे सीट पर खड़ी होकर रेल बनाती दिखाई दे रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की किस तरह चलती स्कूटर पर होली खेल रही है। वीडियो में लड़की स्कूटर पर चलाने वाले शख्स के चेहरे पर रंग लगाती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन अगले ही लम्हे रेल करते हुए लड़की सड़क के बीचों बीच गिर पड़ी। बीआरएस के कारगुजर सदर केटिया ने कहा कि रेवंत रेड्डी पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद अपने टोले के साथ बीजेपी में कूद पड़ेंगे। इस मुल्क में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है जहां कांग्रेस 40 सीटों को भी उबूर कर सके। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के वजीर आला और कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। इसी के तहत आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के घर का मुहासिरा करने की कॉल दी गई। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाजत, मरियम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशिया टीवी न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।